कमाल है यार नीला मंगूठी मैंने पहनी है और फायदा तेरा हो रहा है मेरा फायदा किस बात का फायदा है अब है भाभी जी जो घर से बाहर गई है आ, 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 आ।, आ। तो दिमाग खराब हो गया है अनु लखीमपुर खीरी गई है तो इसमें मेरा फायदा दिख रहा है अरे यार मैं तो मैं तो क्या मैं तो क्या <laughs> तुझे फायदा दिख रहा है सही दिख रहा है मैं यही नहीं कहता कि अनु के जाने से मुझे खुशी मिलती है लेकिन नहीं होता है, होता है होता है, उसके उसके जाने का? नहीं, उसके का। नहीं नहीं, आने ऐसा नहीं है कि आने के बाद गम होता है खुशी भी होती है, है? अब मतलब ये खुशी है ना उसकी जो जिंदगी है वो छोटी है <laughs> मतलब गम किस चीज का गम है उसके जाने का मैंने कब कहा कि उसे जाने का मुझे गम होता? अबे तू ही तो कह रहा था तो गया अंगूठी पहन के तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अब साल है विभूति ये ये कोई मामूली पत्थर नहीं है नीलम है नीलम और ये नीलम जो भी पहनता है ना उसकी किस्मत चमक जाती है हाँ। अच्छा कहा से लाए <laughs> वो गंदा नाला है ना वहां पर एक बाबा आया हुआ है और एक अंगूठी दस हजार रुपए में बेच रहा है मैं तो कहता हूँ साले विभूती है तू भी ये अंगूठी खरीद ले हाँ तेरी भी किस्मत चमक जाएगी

और भाभी जी डिनर हो गया आपका हाँ हाँ वो तो कब से हो गया वो का है सोने से पहले हम सोचे रहे कि सूखे कपड़े निकाल लेते हैं ना जी हमारे खुश है कि सोने से पहले आपके दीदार हो गए बोले <laughs> हाँ? आपसे बाद में मिलते हैं और हमारी बदकिस्मती है कि आपका तिवारी जैसा पति है गार्ड पोल उठा लो जल्दी से एस ए पी ये कहा है में हाल नहीं हो गया होल हो गया है ऐसे ही पकड़े हैं और तुमने हमारी इतनी बेशकीमती शर्ट में होल बना के उसका कबाड़ा कर दिया जानबूझकर तो किए ना अरे तुम आवश्यक कामों में व्यस्त रहती हो जो तुमने हमारी जान बुझ करती होती कर दी काम ही तो करे थे ना आपकी शर्ट को उस तरह कर रहे थे अरे वो इस तरह इस तरह नहीं स्त्री होता है ऐसे ही पकड़े हैं <laughs> वो कहा है कि इस शर्ट को स्त्री कर रहे थे ना तो फिर हमको याद आया कि बालकनी में और भी कपड़े सूख रहे हैं तो हम उनको लेने गए इतने में वहाँ भरभूति जी आ गए <laughs> और हमको बातों में लगा दिए और तुम्हें पता ही नहीं चला कि शर्ट जल गई नहीं ओ हमको बातों में लगा दिए थे ना बाबूटी जी बाबूटी जी बाबूटी जी बाबूटी जी का दुनिया के खेत में अलावा उनके पास कछु का काम धंधा तो है नहीं हमारी बैंड बजाने पर अलग से तू ले रहते हैं वो अब इतना कह है भड़क रहे हैं ऐसा तुम चुप रहो <laughs> तुम्हें भी बड़ा शौक है ना उस फालतू आदमी की फालतू बातें सुनने का हमसे बात करने के लिए तो हम मना तो नहीं कर सकते हैं काय मना नहीं कर सकती तुम कह नहीं सकती कि अभी हम व्यस्त है चलो फुटो यहाँ से ऐसा बोलेंगे तो वो हार्ट हो जाएंगे ना वो हार्ट नहीं हार्ट होता है पगली हार्ट होता है ऐसे ही पकड़े हैं उनको बुरा लगेगा ना वाह तुम्हारे जैसी बॉडी औरत तो लालटेन लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी कोई आदमी आकर समय बर्बाद कर रहा है और ये कहती है इसीलिए मना नहीं कर सकते कि वो बुरा मान जाएगा शत शत नमन है बौड़म औरत तुम्हारे चरणों में शत शत नमन है अदिति भैया अदिति ये आप गलत कर रहे हैं हाँ, हां ऐसे बात बात पर हमको ना ही चिल्ला सकते हैं हम ही घर की लक्ष्मी हैं आपका लौकी चार्म है अरे लौकी तो उस आदमी ने दे रखी है हमारी लाइफ में काय तुम लकी चांद कहना चाह रही हो ऐसे ही पकडा है हम लकी है ना आपके लिए मतलब हम जैसे तुम्हारी बिना पे जी रहे हैं हमारा खुद का कोई लकी नहीं है ऐसा तो नहीं बोले हम मूड खराब करके रख दिया हमारा ये कर रफू करा देगा भला हो जाएगा ना बाबा भला ही भला होगा आप पत्थर वाले बाबा हाँ पत्थर वाले बाबा मेरी मदद कीजिए बाबा बोल जिस काम में डालता हूं हाथ वो काम अधर में लटक जाता है परेश का पतंगा समब जलने से पहले ही फना हो जाता है हर रोज बीवी की डांट के गोलगप्पे खाता हूँ और जब बहस करता हूँ <laughs> करेक्ट बाबा जी करेक्ट बिल्कुल करेक्ट ढीले पड़ गए अरमानों के घोड़े और किस्मत के लगे हुए हैं हतोड़े तू खा ले नीलम की पकौड़ी फिर किस्मत तेरे पीछे पीछे भाग के आएगी निगोड़ी Thank you so much. दस हजार <laughs> उस वाली जेब में बाबा ऐ मेरी प्यारी नीलम की अंगूठी तुझे पहन के लोग कहां से कहां पहुंच गए तुझे पहन के ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए बस मेरी लाइफ बना दे मुझे दौलत दे भाभी जी का प्यार दे लोगों में मेरी इज्जत दे लोगों में मेरा खौफ दे और जा भी पहुंचू लोग मुझसे ये कहें, आप मिश्रा हैं हाँ बे, आइए बात करनी है नहीं, लेकिन क्यों मैं यही आगे, आगे, बात कर रही आइए अच्छा लगा जान के कि आप ही मिश्रा हैं। <laughs> मेरे ख्याल से अब आप खुद को संभाल लेंगे है ना चल बेटा थैंक यू फॉर ड्रॉप ड्रॉपिंग मीड्स क्या पेल के गए हैं

अंधकार को खाई में फेंक दो सच्चाई की लालटेन जलाना है अंधविश्वास का अंधकार भगाना है फेंक दो फेंक दो अंधकार को खाई में फेंक दो अंधकार को खाई में फेंक दो हेलो अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं आ, जुग जुग जीव बच्ची ठीक बा अम्मा जी लेकिन का है ना कि लड्डू के भैया ना आजकल कछु ज़्यादा ही बेकदरी कर रहे हमरा बात बात पर डांट देते हैं अब उल्टा सीधा बोल देते हैं का फोन देता बैल को फोन दे ओ नहीं है अभी यहाँ पर अच्छा ठीक बात तुम चिंता नहीं करो बहुरिया हम आते हैं ना ऊपर तो गुर्दो से टम्बल उठवाएंगे हाँ ठीक प्रणाम कर रहे हैं खुश रहो बउरिया है, है। तू तो सायर है हम तोरी तो सायरी तू आसिक है हम तो हरी आशिकी भाभी इसमें कोई शक नहीं कि आप इस आशिक की आशिकी हैं आप क्या बोले और भाई भाभी जी क्या चल रहा है <laughs> कुछ ना ही बस सब्जी काट रहे हैं <laughs> भाई दिया आप आज कुछ ज्यादा ही चहक रहे हैं खुश लग रहे हैं क्या बात है भाभी जी आज से मेरे जो माथे पे ललेपन का जो दाग लगा हुआ है ना भाभी जी वो मिट जाएगा <laughs> भाई इकामत पल आपका जॉब लग गया का कहीं भाभी जी जॉब ऐसा ही पकड़े हैं <laughs> कुछ काम धंधा मिल गया आपको अरे ये देखिए ये देखिए ये ये तो अंगूठी है ये कोई आम अंगूठी नहीं है इसमें नीलम लगा हुआ है इसको पहनने के बाद मेरी जिंदगी पलट जाएगी मेरी तकदीर चेंज हो जाएगी मेरे सर पे जो नल्लेपन का ताज रखा हुआ ना भाभी जी वो टूट के चकना चूर हो जाएगा भाभी जी क्या हो गया जी, क्या हो गया ओ, 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 भाभी जी गमला तो <laughs> ना अबे बावले गमला थोड़ी ना टूटेगा सर टूटेगा अरे <laughs> यार गमले की जो तो मिट्टी होती है कच्ची मिट्टी होती है यार वो छोटी सी टक्कर होती है ना वहां से टूट वो अबे मेरी जान सर भी तो कमजोर हो गए कमाल कर रहे हो यार कई लोग अपने सर से ना बहुत कुछ तोड़ देते हैं यार अरे यार बाकी भी एक, है है, एक है है। लोबा के अलग लगाते ना, है अलग बिचारे का पता नहीं हाँ भाभी हाँ, जी अभी लेके जाते हैं हाँ भाई उठाओ उठाओ हाँ, उठाओ अभी बाबले हाँ, गमला मत उठा इनको उठा कल से पैदल चलो भाई आराम से चलना है चलो भैया तुम मुस्कुरा रहे हैं यार तुम दीया माफ करना भाभी जी और हम इस मोहल्ले में क्या है कि अभी नए आए हैं और ये हमारा छोटा भाई है चिंपू बड़ा शरारती है और इसने क्या है ना कि इस गेंद से इस गमले में मार दिया तो वो गमला नीचे गिर गया कहीं किसी को चोट तो नहीं आई <laughs> बहुत शरारत करने लगे हो तुम इतनी शरारत मत किया करो मतलब पिटाई लगवाएंगे पापा से चलो बैठिए। आए भैया पेन किलर इंजेक्शन दे दिया है और मरहम पट्टी अच्छे से कर दी आराम मिल जाएगा। एक बात नहीं समझ में आ रही मेरे ये सब हुआ क्या है गमला गमला गिर गिर गया। गमला कैसे गिर गया? कैसे खड़ा हुआ था <laughs> ये क्या है ये अंगूठी है नीलम की नीलम की अंगूठी नीलम की अंगूठी पहनी है मैंने कोई सांप भी डंक नहीं पहन लिया कितना चौक रहे हैं आप और ये बहुत लकी है मेरे लिए अच्छा ये अंगूठी लकी है हाँ तो इसको पहनने के बाद आपके साथ अच्छा क्या हुआ है मेरे साथ अच्छा क्या हुआ लॉटरी लगी नहीं लांडिया पटे चुप है अब नौकरी मिली अभी तो नहीं मिली तो क्या आपके लंदन वाले चाचा जी ने दौलत आपके नाम कर देगा अबे बावले चचा की दौलत मिल जाती तो जे साहब यहाँ बैठकर यानी कि तांत्रिक के बैठकर मरम थोड़ी ना करवा रहे होते यार अंगूठी को पहनने के बाद कुछ भी अच्छा तो नहीं हुआ अच्छा भैया इस अंगूठी के पहनने के बाद आपके साथ बुरा क्या हुआ है अरे गुंडों ने मारा सर टूट गया मतलब आपके साथ अभी तक जो भी बुरा हो रहा है वो इस अंगूठी की वजह से हो रहा है जी नहीं ये गलत कह रहे हैं आप ये अंगूठी बहुत लकी है मेरे लिए और मैंने इसको दस हजार में खरीदा है फॉर टेन थाउजेंड रुपीज ठीक है मैं चलता हूँ भैया मेरी फीस दे दूंगा थोड़ा तकलीफ में हूँ मैं भी कहा नल्ले से फीस मांग रहा हूँ <laughs> अच्छा एक काम करो लंडो तुम लोग यही रहना मैं एक पेशेंट को देख के आ रहा हूँ आने के बाद तुमसे मिलता हूँ एक काम है यार इंतजार है, है, है। यार मेरी बात समझ भी नहीं आ रही ये डॉक्टर तो चला गया लेकिन जो भूतनी का हमें रोक के क्यों गया यार अरे यार आ, हाँ। यार मैं क्या कह रहा हूँ जो तो नीलम वाली अंगूठी है ना हाँ। हमें भी खरीद लेनी चाहिए यार ठीक <laughs> है तेरा तो दिमाग खराब हो रहा है सारे हमारा हाल भी ना इन भाई नल्ले भैया जैसा हो जाएगा वैसे यार एक बात बोलूं कसम खा के कह रही हूँ भैया मैंने बुजुर्गों से सुना है कि नीलम के अंगूठी किसी को रास आवे और किसी को नहीं आवे हो सकता है मेरी जान हम तीनों को रास आ जाए और हमारी निकल पड़े रुआ यार, यार तेरी कच्चे <laughs> <laughs> वो सारे कल से पैदल अभी तुमने सुनी ना व्यू तो वही ना कहा बोलो नीलम की अंगूठी दस हजार रूपए की है इतने पैसे कहाँ से लाओगे कमलो हमारे तो बाप दादा भी भिखारी थे बात तो सोचने वाली है, भाई है। <laughs> तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है क्या तुम अपने आप को क्या वेतन है उसे ऊपर समझते हो अरे तीन तीन बार हम अप्लाई कर चुके है भाई आप ऐसा कीजिए आप ना शिक्षा मैडम से बात कीजिए अब इससे ज्यादा क्या बच्चे का जान लोगे रखो फोन क्या हो गया मास्टर साहब इस बच्चे की बात कर रहे हो तुम जाहिर सी बात है यार, इनको संस्कार तो नहीं संस्कार है है? के साथ में झकड़ खट्टी की झाड़ियन में फिजिक्स की क्लास ले रहे थे नाटिक है ना मुझे कतई यकीन ना हो रही है क्योंकि मास्टर साहब ऐसे आदमी तो है ही ना है बहुत बड़े खिलाड़ी है ये अरे ये नीचे वाले होटल से है ना चुम्बो ले लेते हैं ना तो ऊपर वाले होटल को पता नहीं लगता है ले लियो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मेरे बेदाग चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हो दिलो। <laughs> माँ साथ, माँ साथ, जे, जे का कर दो आपने लोना बेहूश कर दू मार मार के बोल गया क्या बात कर अरे मास्टर साहब इतने नाजुक बच्चे को संटिया बरसाओगे तो वो मरेगा नहीं तो क्या कत्थक करेगा? जे तो पुलिस केस हो गया मलखान चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं अरे भैया इतनी सी छोटी सी बात के लिए पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हो मास्ट साहब जो छोटी सी बात है गई हमारा लोटा गया हुआ है आपको क्या छोटी सी बात लग रही मास्टर साहब अब आप तो चक्किया पीसोगे जेल के अंदर जाके चल पुलिस स्टेशन अरे भैया अब हमारे बीबी बच्चों का क्या होगा जब हम जेल में चक्किया पीसेंगे कुछ इधर देखो टी का कितना सीरियस हो गया है ऐसा मास्टर साहब पुलिस वाला केस हो या डॉक्टर हो सब कुछ हम देख लेंगे आप ना हजार रुपए दे दो हमें 50 हां मेरे पैसे नहीं है मेरे पास हां तो सन्टी मारने से पहले क्यों नहीं सोचियो था तीस तक दे दे पाएंगे ना आप में तो तो कुछ हो मास्टर तो मास्टर हो जाएगा क्योंकि तुम मास्टर हम तुम्हारी करते हैं आप तीस हजार ही दे दो हाँ। तुम्हारे अंदर संस्कार आपका चीज है कि नहीं पैसे के झोले में होगा तो हाँ, चलो खान हाँ, 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 हाँ। तू मास्टर साहब के साथ जा मैं टीका का ख्याल रखता हूँ जाते हैं तीस हजार रुपए आने वाले खड़ा हो जा अरे क्या आएंगे <laughs> <थीस हो जारागी। laughs>